हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका। अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसा टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है। 15 से 20 मिनट में आप ये नाश्ता बनाकर खा सकते हैं और घर वालों को भी खिला सकते हैं। ये सुपर टेस्टी नाश्ता खाने में इतना बढ़िया लगता है कि कोई भी इस नाश्ते को खाने के लिए मना ही नहीं करेगा। और इस नाश्ते को हम रात के बचे हुए चावल से बनाएंगे, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा और घर वालों को खिलाइएगा। सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रात के बचे हुए चावल लिए हैं। यदि इसे कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप चावल है। अब इस चावल को हम डाल लेते हैं मिक्सर जार के अंदर। आप चाहें तो इस रेसिपी को ताजे चावल से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी जगह पर आप यदि कहीं खिचड़ी वाले चावल हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। चावल के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, इसलिए आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे। एकदम ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीबन सूजी यानी कि रवा। सिंपल सा मेजरमेंट है, आपने 1 कप पोहे लिए हैं तो 1 कप आपको यहाँ पर सूजी लेनी है। और सूजी आप यहाँ पर मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम चावल के पेस्ट को और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, चावल के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, यदि आप पहले से ही ढेर सारा पानी डाल लेंगे तो क्या होगा कि बैटर जो है गीला हो जाएगा। इसलिए पहले से ही ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सूजी तो हमें डालनी ही पड़ेगी। यदि आप चावल का ये नाश्ता बनाओगे तो बिल्कुल भी ये नाश्ता अच्छे से नहीं बनेगा। बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर सूजी को डालना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो चावल के अंदर का जितना भी मॉइस्चर वगैरह था, सूजी ने उसे कंट्रोल कर लिया है, तो कितना ड्राई हो गया है ये। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर लगाएंगे। तो ज़रूरत के अनुसार हमें यहाँ पर पानी डालना है। बचे हुए चावल की बनी हुई मैंने और भी कई तरह के नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है, जो कि बहुत ही सिंपल है और इजी है, और सभी लोगों ने वो रेसिपी बहुत ही पसंद की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा और उन रेसिपी को एंजॉय करिएगा। अधिकतर ऐसा होता है ना, चावल बच जाते हैं और घर में हम ऐसे ही खाने को दो तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन उससे बढ़िया सा नाश्ता बना लिया जाए ना तो वो चावल भी ख़त्म हो जाते हैं और सबको बढ़िया सा घर में नाश्ता भी खाने को मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर टोटल अभी 1/2 कप के ऊपर थोड़े से पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हमें ढक करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो सूजी है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल जाए। तो सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी तो हमारा नाश्ता जो है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर रेडी होगा। अब चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार के अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीबन मूँगफली के दाने। मैंने यहाँ पर बिना रोस्ट किए हुए लिए हैं, आप चाहें तो रोस्ट किए हुए भी ले सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट चटनी है, जल्दी से बनकर रेडी होती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। अब चटनी को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया है। और चटनी को जितना तीखा रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिर्ची की क्वान्टिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया, तो इस तरह से रफली तोड़कर इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी धनिया की डंठल को ज़रूर डालिए, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चटनी में। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन दही। यदि आपके पास दही नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन दही डालेंगे तो चटनी और ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। और फिर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीबन नमक डाल रही हूँ। अब चटनी को जितना पतला या गाढ़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी डालेंगे और जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे। तो मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको पीसना है। अब इसे एक हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। तो एक तड़का पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीबन राई और राई को अच्छी तरह से फूटने देंगे। तो आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से चटक गई है। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीबन जीरा। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीबन उड़द की दाल। इन्हें हल्का सा हम पका लेंगे, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुकी है। गैस को बंद कर देंगे और इस तड़के को उठाकर हम इस तरह से पिसी हुई चटनी के अंदर डालेंगे। यदि आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो आप कड़ी पत्ते भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब पूरे तड़के को हम इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ईस्टर्न चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे अपने मनपसंद कोई भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। अब जितनी देर में हमने यहाँ पर चटनी बनाई है उतनी देर में 15 मिनट भी कम्प्लीट हो गए हैं, और जो बैटर है उसने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल गई है, तो बैटर कितना गाढ़ा हो गया है। तो अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बाकी की जो सामग्री है उसे हम ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीबन पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट, जिसे हमने दरदरा पीस के रखा है।
तो उसकी क्वांटिटी भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको जितना नाश्ते को तीखा बनाना है, आपके घर में जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। आधे चम्मच के करीबन इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला, जिससे बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। यदि चाट मसाला नहीं है तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं। आधे चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, और यदि आपका जीरा पाउडर भी नहीं है तो आप जीरे को हल्का सा रोस्ट करके उसे दरदरा पीस कर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है नाश्ते में। और फिर इसमें हम डाल देंगे आधे चम्मच के करीबन कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो किसी एक मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और फिर इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के करीबन नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच के करीबन सौंफ, और एक चम्मच डाल देंगे काली तिल। आप चाहें तो इसकी जगह सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं या कलौंजी ऐड कर सकते हैं। फिर आधी चम्मच के करीबन इसमें हम डाल देंगे खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, या आप चाहें तो इनो भी इसके अंदर आप डालकर इस नाश्ते को बना सकते हैं। अब साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो खाने का सोडा है और सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और हम बैटर की कंसिस्टेंसी को भी बराबर कर लें। खाने का सोडा या इनो आपको तभी डालना है जब आपको ये नाश्ता बनाना शुरू करना है। पहले से यदि आप इनो डालकर या खाने का सोडा डालकर रखेंगे तो इसके अंदर का जो एक्टिव पावर है वो खत्म हो जाएगा, और जो नाश्ता है वो फूला फूला नहीं बनेगा। तो ये बैटर लगकर रेडी हो चुका है, अब हम ये नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपे पैन लिया है, तो इसे हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमने बैटर रेडी किया है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इस तरह से अपे पैन के अंदर डालेंगे, और थोड़ा सा हमें खाली रखना है, और थोड़ा थोड़ा सा हमें इसे खाली रखना है, क्योंकि जब ये अपे पकेंगे तो ये फूलेंगे। अब इसे हम ढक देंगे, और ढक करके एक मिनट के लिए एक साइड से इसे हम पकने देंगे। तो एक मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अपे जो है वो एक साइड से पक गए हैं। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सिर्फ एक एक दो दो ड्रॉप आपको यहाँ पर ऑयल डालना है। बहुत ही कम तेल में नाश्ता बनकर रेडी होता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। अब इन्हें हम पलट देंगे, तो जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो बहुत ही ईजिली से मूव हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ईजिली से टर्न हो रहे हैं, तो इन्हें एक साइड से इतनी देर पकाएं आप कि ये ईजिली से टर्न हो जाए। यदि ईजिली से टर्न नहीं होते तो थोड़ी देर के लिए इसे आप और पका लें। तो सभी को हम इस तरह से पलट देंगे। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं जैसे हमारे अप्पों का शेप अच्छे से नहीं आता है, तो जब एक साइड से आप इसे पकाएं ना, तो आप इतना पकाएं कि ये इजली से टर्न हो जाए। यदि आप एक साइड से बहुत ज़्यादा देर तक पका लेंगे तो इसका जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इन्हें टर्न करते हैं तो जो इसके ऊपर का बैटर होता है ना, थोड़ा सा लिक्विड होता है, तो जब हम इस तरह से उन्हें पलटा देते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल पकने की वजह से उनमें बिल्कुल प्रॉपर शेप आ जाता है गोल, और बैटर की कंसिस्टेंसी भी बहुत मायने रखती है, तो कंसिस्टेंसी भी बराबर होनी चाहिए। तो सभी को मैंने पलट दिया, वापस इसे हम ढक देंगे, और ढक करके एक से दो मिनट के लिए और पका लेंगे। तो एक से दो मिनट और कम्प्लीट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं एक साइड से बढ़िया साइड में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इसी तरह से हमें इन्हें पलटते हुए तब तक पकाना है जब तक कि दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। इन्हें पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है। बचे हुए चावल के अप्पे ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। 15 से 20 मिनट में आप ये नाश्ता बनाकर खा सकते हैं और घर वालों को खिला सकते हैं। तो देखिए, मैंने इन्हें अलटते पलटते हुए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लिया है। कितने डिलीशियस दिखाई दे रहे हैं ना ये बचे हुए चावल के अप्पे। तो आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।